आज मेरे साथ में है द ब्यूटी फ्रॉम बंगाल मौसमी चैटर्जी. हाउ आर यू? आई एम फाइन. आपसे एक बार मैंने इंटरव्यू किया था, आपने कहा मेरे दांत टेढ़े, मेरी नाक टेढ़ी, मेरी आंख टेढ़ी. दिमाग की छोड़ दीजिए. दिमाग की बात छोड़ देते. बट हाउ इज मौसमी? वो बच्ची थी, बचपन का गलियारा. मैं तो अभी भी बच्ची, याद नहीं होता, पर मैं बहुत नोटी थी, इतना मालूम. वो मेरे राज खोसला जी ने गाना रखा था कच्चे धागे में, मेरे बचपन तू जा या जवानी को लिया. तो उसने बोला कि शी इज डजंट लुक लाइक 16, शी लुक्स लाइक अ 7-8 इयर्स गर्ल. ही यूज्ड टू से मौसमी आइदर शी मस्ट बी 16 और 60. अच्छा. हाँ, इन बिटवीन आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं. ये एक्टिंग का कीड़ा कब कहाँ पे? आई डोंट नो, आई थिंक इट इज स्टार्टेड सबकॉन्शियसली वेरी यंग एज. हम लोग सब पिक्चर जाते थे. अच्छा. तो उस टाइम पे देख देख के जो ऐसा लगता था. फिर मुझे याद है कि मैं घर में आके ना वो सनग्लासेस पहन के, वो टॉवल टॉवल लगा के आईने के सामने गाना गाना. मुझे आज भी याद है कि आशा पारेख जी की एक पिक्चर था जिद्दी. अच्छा. मैंने स्कूल बंक किया, मम्मी को झूठ बोला. सो आई टू जस्ट उसका डांस, उसका ऐसा करके वो आशा जी ने किया था. दोस्ट आई रियली लाइक यू नो. बट टेल मी समथिंग, आप पांचवी क्लास में थी, आप बालिका वधु फिल्म करने गई, तो एक्ट्रेस को तो बहुत पैम्पर किया जाता है ना सेट के ऊपर. नहीं, मुझे तो कान पकड़ के खड़े भी रखा डायरेक्ट. मुझे दो दिन बहुत भाव मिला तो आई वॉज वेरी हैप्पी. थर्ड डे के दिन मुझे ऐसा लगा बापरे, ये तो रोज चोटी पकड़ के बैठा देगा, मुंह में लेपापोती करेंगे और कपड़े, मेरा खेलने का टाइम नहीं, स्कूल भी, आई एम मिसिंग एवरीथिंग. तो मैं भाग जाती थी सेट से. किसी को बिना बताए. तरुण जी जो आपके डायरेक्टर साहब रहे शुरुआती दिनों में, कहते हैं कि उन्होंने एक दिन कहा था कि जितनी शूट हो गई है फिल्म की वो हो गई है, अब बंद करो, डब्बे में डालो, मैं नेगेटिव जला दूंगा, बहुत हो गया इस लड़की के साथ, ये जब देखो भाग जाती है. इज दैट ट्रू? तो ऐसा हुआ था कि उन दिनों में एक शीशा वाला कमरा होता था न्यू थिएटर स्टूडियो में, तो वहां पे मुझे लॉक करके रखा जाता था. शॉट के टाइम जो भी मुझे लेने आते, पहले तो उसकी पिटाई होती थी, फिर ऐसे लुक थ्रू करते थे और फिर बोलते थे इधर सफेद क्या हो गया. मैं बोला मैं खुजा डाला, खुजली हो रही थी एक्चुअली, बदमाशी. फिर वो फिर से दौड़ा देखा, बोला इंदिका यहाँ जो नथनी था वो कहाँ गए. मैं बोला मुझे ऐसा ऐसा लग रहा था, मैं फेंक गया. तो फिर वो डायरेक्टर चिल्लाया नथनी लगाओ इसको, बोलते दादा ये लेके 16-17 लगाया, 200 खरीद के रखो, ये फेंकेगी तुम लगाओगे, फेंकेगी लगाओगे. हे मेरे भगवान. हमने बड़े किस्से सुने हैं कि हीरोज के लेट आने के. लेट हीरो में से हमें थोड़ा सा इरिटेशन बहुत होता था कि 9:30 शिफ्ट है, आज वो है नहीं राजेश खन्ना, इज टू कम एट 2:30. 9:30 का 2:30. हाँ, एक ही हीरो है जिनको मैंने देखा है जो चेंज नहीं हुआ एज फार एज पंचुअलिटी टाइमिंग, जो सबको सीखना चाहिए, दैट इज अमिताभ बच्चन. हरी भाई संजीव कुमार, ही वाज वेरी क्लोज टू मी. वन डे आई ओनली टोल्ड हिम, हरी भाई आपको ना बद्दुआ लगेगा लोगों का, तो ही गॉट स्केयर्ड. इसे बद्दुआ क्यों? मैं बोला देखिए जो टेक्नीशियन है ना, 7 से 2 बजे का शिफ्ट में उन लोग 5 बजे आता है. Right. उन लोग क्यों आता है? लाइट मैन, कैमरा मैन, उनका असिस्टेंट, इनका असिस्टेंट, तो थोड़ा यहाँ लंच खाएंगे आपके लिए ना, उनका लंच ब्रेक ओवर हो जाता है बिकॉज आप आते हो 1:30 बजे, तो फिर बोलता है नो लंच ब्रेक नाउ, शॉर्ट करो काम करो, तो वो तो भूखा ही रहता है. क्या बोले हरी भाई? इट वाज रजिस्टर्ड नॉट ओनली ही फेल्ट कि ही सेड माय गॉड यू थिंक सो मच. आई सेड यस आई थिंक सो मच बिकॉज वी आर अ सेम फैमिली, वी बोर्न डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, बट यू हैव टू थिंक फॉर एवरीबॉडी.